हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड मी क्रिएटर। तो स्टूडेंट्स, हम चल रहे थे हैकेल ट्रांसफॉर्म में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसकी डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, फॉर्मूले और एक एग्जांपल, ठीक है ना। इस हम दो और आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लेकर आएंगे, एक इस वीडियो में और दूसरा हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल को पढ़ते हैं, क्या कहता है, हमें क्या फाइंड करना है। फाइंड द हैकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारा देखिएगा, हम इसके पहले कई टाइम्स बार इसके सवाल कर चुके हैं और हमने आपको बताया भी है कि जब भी हैकल ट्रांसफॉर्म में होता है तो ऑर्डर हमारे किस ऑर्डर में फाइंड करना है वो आपको दिया जाएगा और हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई वो भी आपको सवाल में दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे हम इसके पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म में जितने भी हम सॉल्यूशन करते आ रहे हैं, लिमिट तो आपको पता ही, हमने बता भी दी थी कि किस तरीके से आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सवाल पढ़ लेते हैं कि जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यहाँ पर हमारी लिमिट 0 टू 1 दी गई है तब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 दिया गया है ना, और जब हमारी लिमिट यानी ए टू हमारी इनफाइनाइट दी गई है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी 0 दी गई। यहाँ पर हमें ऑर्डर निकालना है एन इक्वल टू 0, ठीक है ना, इसके फॉर्म में। तो यहाँ पर हैकल ट्रांसफॉर्म, बाय द डेफिनेशन ऑफ हैकल ट्रांसफॉर्म क्या होती है, जो हैकल ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स ऑर्डर एन इक्वल टू 0, तो हमारा जो डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स, अब ऑर्डर एन के फॉर्म में निकालना है तो जी 0 एस ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो यहां से हम ये लगाएंगे क्या, पहले हम क्या करते हैं, लिमिट को पूरा व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आपको ये लिमिट तो पता ही होगी किस तरीके से आती है, हमने कई टाइम्स बार इसके बारे में डिस्कशन किया था। देखो हम बता देते हैं, यहां पर क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 दिया गया है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या है, जब x हमारा के x की वैल्यू हमारी क्या है 0 टू a के बीच में है और हमारी 0 ग्रेटर देन a है, जब हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो हमारा ये 0, यहाँ पर हमारा माइनस a आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, तो यहाँ पर ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा या माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा, यहाँ पर हमारा x की वैल्यू है क्या है, जो x की वैल्यू है 0 से तो बड़ी है बट a से हमारी कैसी है, छोटी है। तो हमारी जो पहली f ऑफ x पे वैल्यू हमारी 1 कब मिलेगी, जब 0 टू 1 की ओर चलेंगे, ठीक है ना, तब f ऑफ x इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और जब a टू इनफाइनाइट चलेंगे तब f ऑफ x इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, 0। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो वही हमने लिखा है कि यानी 0 टू a चले f ऑफ x इंटू एक्स जी 0 एस एक्स डी एक्स, और यहाँ पर सेकंड में हमारा इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स एक्स जी 0 एस ऑफ एक्स डी एक्स। यानी हमने क्या कहा था कि जब 0 टू a लिमिट चलेंगे तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, 1 मिलेगी, x इंटू हमने इसको एज इट लिखा, और हमारी a टू इनफाइनाइट जाएगी तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी 0 मिलेगी और हमने इसको एज इट लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये पूरा फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा, कुल मिला के हमारा बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू a एक्स जी 0 एस ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके पहले वाली वीडियो थी, उसमें हमने रिकरेंस फॉर्मूले बताए थे और बेसल्स फंक्शन के, ठीक है ना, जहां पर जी हमारा बेसल्स फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। जिन्होंने बेसल्स फंक्शन के लेक्चर देखे होंगे एडवांस स्पेशल फंक्शन में, उनको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिकरेंस फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, डेरिवेटिव वाला, ठीक है ना। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन जी एन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन जी एन माइनस वन ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये होता है। अब हम यहाँ पर एन को हम वन से कर देते हैं रिप्लेस और एक्स को हम एस ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमें ये फॉर्म मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा, एक्स को एस ऑफ एक्स करेंगे तो एक हमारा एस बाहर आ जाएगा, तो हम इसको बाहर लिख दिया, डी अपॉन एस डी एक्स, यहाँ पर एक्स एस एक्स और n बराबर 1 तो हमारा एस एक्स आएगा, ठीक है ना, और n बराबर 1 है तो जी 1 एस ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस एक्स जी 0, 1 में से 1 जाएगा 0 और एस ऑफ एक्स, ठीक है ना। कुल मिला के हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स एक्स जी 1 एस ऑफ एक्स इक्वल टू एस एक्स जी 0 एस ऑफ एक्स। यानी हमें कुल मिला के इसकी, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू a के रिस्पेक्ट में। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड लिमिट 0 टू a, ठीक है,
तो इंटीग्रेशन 0 to 8 डी अपॉन डी एक्स एक्स जी वन एस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 8 एस ऑफ एक्स जे 0 एस ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन लिया है रिस्पेक्ट वाई रिस्पेक्ट 0 to 8 के फॉर्म में। ठीक है ना, अब यहां पर हमने देखिएगा इंटीग्रेशन और हमारा डिफरेंशिएट लगाया तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स जी वन एस ऑफ एक्स हमारे लिमिट ए टू 0 to 0 के फॉर्म में हो जाएगी। यहां पर हमारा एक्स एस हमारा कांस्टेंट फंक्शन है एस एक्स जी 0 एस एक्स डी एक्स 0 to 8। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम इसको क्या करें देखिएगा यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा अपर लिमिट में x की जगह a आएगा, लोअर लिमिट में हम करें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा कुल मिला के यहाँ पर जो s है वो हमने यहाँ पर डिवाइड में भेज दिया तो हमारा इंटीग्रेशन 0 to 8 एक्स जे 0 एस ऑफ एक्स डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा e अपॉन एस जे 1 एस ऑफ ए, और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है ना, क्यों हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी कुल मिला के हम यहाँ पर चल रहे थे लेकर चल रहे थे कि हैकल ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स एन इक्वल टू 0 इसी के फॉर्म में निकालना था और इसको हमने फर्स्ट माना था। यहां से हम लिख सकते हैं कि वही हम इक्वेशन फर्स्ट से हमारे कुल मिला के आंसर हमारा ए आ जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये सवाल पूरा समझ में आया होगा और कहीं कुल हैकल ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं है, आप इसका फॉर्मूला और डेफिनेशन और इसके रिकरेंस फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, आपको आसानी से बनने लगेंगे। फिर मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।